मैं डॉक्टर अक्षय नाडकर्णी, कैंसर सर्जन, 21st सेंचुरी हॉस्पिटल वापी से। आज हमारे यहाँ एक अनोखा केस खत्म किया है हमने। एक 50 साल के आदमी में राइट साइड के पीठ में दर्द हो रहा था तीन महीनों से। उसका सोनोग्राफी में किडनी में एक ट्यूमर दिखा था। गरीब होने की वजह से वो पेशेंट आगे ट्रीटमेंट नहीं ले पाया। 3 महीने वेस्ट किए उसने और मेरे पास आया वो प्रधानमंत्री का योजना का कार्ड लेके। धर्मपुर विस्तार का पेशेंट था। तुरंत ही हम लोग ने सीटी स्कैन किया, पता चला एक बड़ा सा किडनी में कैंसर है। वो गांठ ऐसी जगह पे था कि 3 महीने डीले के वजह से, पैसों की कमी के वजह से, पेशेंट का ट्यूमर जो है किडनी में से राइट रीनल वेन में जाके इन्फीरियर वेने कावा, यानी जो नस खून ले जाती है हृदय में, उस मेन नस में ट्यूमर पहुंच चुका था। एंड बहुत डेंजरस केस था खोलने के लिए। जहाँ हम लोग ने पूरी टीम के साथ, हमारा कार्डियोथोरेसिक सर्जन और कैंसर सर्जन की पूरी टीम ने साथ में मिलके उस ट्यूमर को किडनी के साथ निकाला गया और बहुत सक्सेसफुली रिकंस्ट्रक्शन भी हुआ। यानी बहुत बारीकी से जो मेन नली है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। टोटल 100 ml ब्लड लॉस में पूरा पेशेंट आज ठीक है। तो ये बताना चाहूँगा कि पैसों की कमी के वजह से कोई भी कैंसर पेशेंट अटकना नहीं चाहिए। ये हमारा मोटो है नाडकर्णी मेडिकल फाउंडेशन और आयुष्मान भारत स्कीम्स की वजह से इस हॉस्पिटल में पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीब से गरीब पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है। कैंसर का ट्रीटमेंट फ्री में पॉसिबल है। अगर आप उसमें यकीन रखो तो आपके लक्षण, कैंसर वर्ड आपके घर में जैसे ही आता है, प्लीज़ आपके डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट लीजिए। मामूली दवाखाने में मत ट्रीटमेंट लीजिए। और साधु बाबा, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, ऐसे सब अलग अलग, ये सब आपको ऑगमेंट करेंगे लेकिन उसमें क्योर नहीं है। तो साइंस के हिसाब से जो क्योर है उसके पीछे आप जाइए। और ऐसे सर्जरीज और कीमोथेरेपी और रेडिएशन, ये तीन का मिलाप से आप काफ़ी कैंसर्स हम लोग क्योर कर सकते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि कैंसर हम जल्दी पकड़ें। उसके लिए कोई भी आपके सिम्टम्स हो, पेट में दर्द हो, कुछ हो, तो सोनोग्राफी करके उसको जाँच कराइए। धन्यवाद।